प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। कई जगहों पर तापमान 41 के पार हो गया है और जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। गर्मी ने मचाया कोहराम, गर्मी से जनता बेहाल, दिल्ली मुंबई में जल मरेंगे, उफ ये गर्मी मार डालेगी। मई महीने में गर्मी, प्रचंड गर्मी, गर्मी ऐसी की झुलसा दे। राष्ट्रीय राजधानी सहित समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को अगले 2-3 दिन तक चिलचिलाती गर्मी और शुष्क मौसम से राहत नहीं मिलने का पूर्वानुमान जताया है। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम अधिकारियों ने इससे पहले अनुमान जताया था कि इस सप्ताह पारा ऊपर चढ़ना जारी रहेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि इस समय आसमान एकदम साफ है, वातावरण में नमी बहुत कम है और उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही है जो कि राजस्थान और कच्छ की तरफ से आ रही है, जो काफी गर्म और ड्राई होती है, तो उसके कारण जो है टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है। मानसून आने से पहले भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें। अगले 4 दिन कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। लू के थपेड़ों से पूरा शरीर झुलस सकता है। भीषण गर्मी से धरती तपेगी और पारा 48 डिग्री के पार निकलने की आशंका जताई जा रही है। गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ रही है और इस बार स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी का तो ये प्रेजेंट स्थिति है कि सुबह 7 बजे से ही सूर्य देव निकल जा रहे हैं और दिन भर बाहर निकलना दुश्वार हो जा रहा है। गर्मी तो काफी, हालात तो एकदम खराब है। गर्मी की स्थिति बहुत दयनीय है, बिना जल के कोई चल नहीं पा रहा है। गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानों के अनुसार जल्द शहर का पारा 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके साथ ही विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की आशंका के मद्देनजर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लू से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय। तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचें। बाहर निकलने पर सिर पर कपड़ा ढककर निकलें। शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें। तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। मौसमी फलों का सेवन करते रहें। साफ और ताजा पानी पिएं। ज्यादा ठंडा पानी पीने से बचें। बच्चों को नमक चीनी का घोल दें। गंदगी वाले स्थानों पर बिक रही खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ का सेवन ना करें। नोएडा से अविनाश तिवारी के साथ आकाश शर्मा, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।